चीन में कुत्तों को मारकर क्यों खाया जाता है? चीन में इंटरनेट पर क्यों है अनेकों पाबंदियां? चीन के लोगों को लाइन में लगना क्यों नहीं है पसंद? और चीन को सबसे अधिक वायु प्रदूषण क्यों कहा जाता है? चीन के ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। हर देश का कल्चर या संस्कृति अपने आप में अलग होती है, लेकिन चीन के रीति रिवाज और वहाँ के लोगों की डेली लाइफ की आदतें पूरी दुनिया को अजीबोगरीब लग सकती हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए रोज़ ऐसी चीज़ें करना आम बात है। यहाँ के लोगों का व्यवहार भी कुछ अलग ही होता है। आप अगर वहाँ के लोगों से रास्ते के बारे में पूछ लें तो आसानी से यहाँ के लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। ऐसा ही कुछ चीन से जुड़े फैक्ट्स जानकर आप सच में आज हैरान रह जाएंगे। नंबर वन, चीन में ग्वांगझाओ के जुलिन नाम की जगह पर हर साल समर फेस्टिवल पर आयोजित होने वाली डॉग मीट फेस्टिवल में 10,000 से 15,000 तक कुत्तों को मारकर खाया जाता है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि गर्मी के महीने में अगर आप कुत्ते का मांस खाते हैं तो शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। चीन में गर्मी के महीने में कुत्ते का मीट खाने की परंपरा लगभग 4 साल से चली आ रही है। हालांकि पशु कल्याण से जुड़ी कुछ संस्थाओं ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश की है, जिसके कारण पिछले कुछ सालों से मारे जाने वाली कुत्तों की संख्या में कमी देखने को मिली है। नंबर टू, चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। वहाँ के कानून में इस तरह का प्रावधान है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति एकदम अच्छी है, यानी आप पैसे से अमीर हैं, तो आप अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। इसके बदले आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा, यानी कुछ पैसे। इसके अलावा अगर कोई कैदी तकनीकी रूप से बेहतर है और जेल के अंदर रहकर उसने किसी चीज़ का निर्माण किया है तो वो उसे बेचकर अपनी सजा को कम करवा सकता है। नंबर थ्री, चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। जहाँ अन्य देश के लोग फेसबुक और ट्विटर जैसी फेमस सोशल मीडिया साइट से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते, वही चीन में साल 2009 से फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा दिया है। चीन ने सरकार के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश करने पर साल 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से ही निकाल दिया था। साल 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कुछ इंटरनेट पोस्ट को भी ब्लॉक कर दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जिन लोगों को नेट की लत लग जाती है उनके इलाज के लिए सरकार ने कई कैंप भी खोले हुए हैं। चीन दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे अधिक इंटरनेट इस्तेमाल करने पर लोगों और पत्रकारों को जेल में बंद किया हुआ है। नंबर फोर, अक्सर आपने चीन के बाजार या पब्लिक प्लेसों की तस्वीरें देखी होंगी जहाँ खूब सारी भीड़ जमा रहती है। इसका एक रीजन ये है कि चीन के लोगों को लाइन में लगना पसंद नहीं है, वे इस मामले में बेहद ही ज़्यादा व्यवस्थित नहीं होते। इसके पीछे की वजह एक ही है कि यहाँ पर आदमी दूसरे के आगे खुद को खास दिखाना चाहता है। चीन में लोग एक दूसरे की परेशानी भी नहीं समझते, यहाँ हर कोई भाग दौड़ में रहता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग लाइन में लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर फाइव, चीन की नेशनल फॉरेस्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर साल बिलियन चॉपस्टिक बनाई जाती है। जानकर आपको हैरान हो सकती है, लेकिन ये सच है। चॉपस्टिक बनाने के लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक में से 50% चॉपस्टिक का इस्तेमाल चीन खुद के लिए करता है और बचे हुए चॉपस्टिक जापान, दक्षिणी कोरिया और अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। नंबर सिक्स, चीन जितना अपनी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश करता है वो उतना ही दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। चीन की हवा इतनी ख़राब है कि यहाँ रोज़ाना 4,000 लोगों की मौत हो जाती है। यही कारण है कि चीन में लोग काफ़ी समय से प्रदूषण की वजह से मास्क लाकर घूम रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजिंग की हवा इस कदर ख़राब है कि यहाँ सांस लेना मतलब 40 सिगरेट पीने के बराबर है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।